नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ रंजन ठाकरे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पटना सराफा व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। सराफा संघ ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी के साथ ही सराफा व्यवसायियों की सुरक्षा देने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। सासाराम तिलौथू मार्ग पर लेवड़ा गांव के पास गुरुवार को दोपहर यात्रियों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें मां बेटे की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए ग्रामीणों की मदद से सासाराम भेजा गया। बंगाल के मुख्यमंत्री ने मानवाधिकार दिवस पर ट्वीट कर कहा है कि आजकल लोकतंत्र को उखाड़ने, मौलिक अधिकारों को कुचलने और लोगों की आवाज़ को दबाने का एक बड़ा चलन है। हमारी सरकार मानवाधिकारों को कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पेरेंट्स और घर में बोर हो रहे बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी है। चीफ सेक्रेटरी आपदा प्रबंधन समूह की होने वाली बैठक में शीघ्र फैसला लेंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को बगैर परीक्षा लिए अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाएगी। भाजपा पार्टी जिला अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री को दी आत्मचिंतन करने की सलाह। कहा, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान सम्मान नहीं मिलने से कचकरता हुए निष्क्रिय। पार्टी का विरोध करना या भीतरघात करना भाजपा कचकर्ताओं का संस्कार नहीं है। चीन से जारी तनाव के बीच भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया है। इस शर्मनाक वारदात में दो युवकों ने 27 वर्षीय विवाहिता की अस्मत लूटी तो उनकी तीन साथियों ने पहरा दिया। घटना जिले के बालू थाना इलाके के एक गाँव की है। सभी आरोपी आसपास के ही है, जिनमें से तीन को पीड़िता पहचानती है। बिहार के गया में भीषण सड़क हादसा हुआ है। औरंगाबाद से गया आ रही परिवहन निगम की बस और ट्रक में टक्कर होने से बस पर सवार तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल है। बंगाल में नड्डा पर अटैक को ममता ने बताया ड्रामा। पूछा, इतनी सुरक्षा में कैसे मुमकिन हुआ। तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि तीनों नए कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। किसानों और सरकार के बीच इस पर वार्ता भी हो रही है, लेकिन वार्ता बेनतीजा रह रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 15वें दिन भी जारी रही। इस बीच किसानों का कहना है कि संशोधन के लिए बहुत देर हो चुकी है, अगर सरकार वास्तव में चाहती है तो सितंबर में ही ऐसा कर सकती थी। किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। इसी के मद्देनजर किसानों की दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे को इस सप्ताह के दौरान अवरोध करने की योजना को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने गुरुवार को कई ट्रैफिक जंक्शनों, टोल प्लाजा और दिल्ली हरियाणा सीमा क्षेत्रों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने छात्रों को इस कोरोना महामारी के संकट के पढ़ाई जारी रखने की सराहना करते हुए स्कूली जीवन में जल्द वापस लौटने का भरोसा दिलाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक में चीन का नाम लिए बिना कहा कि सभी सदस्य देशों को संयम बरतना चाहिए और कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि स्थिति जटिल बन जाए।